सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डूम पेट्रोल के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो बेसिकली ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एपिसोड 3 की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। खैर, तो इसके सेकेंड एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि मिस्टर नोबडी कोई आम विलन नहीं बल्कि वो इन सुपर हीरोज की हालत बुरी करने वाला है। लेकिन जब मिस्टर नोबडी की ट्रीटमेंट चल रही थी हमारे बाकी के सुपर हीरोज पर, लूजर्स पर, तब लैरी के मिस्टर नेगेटिव मैन की मदद से वो लोग वहां से बच निकले और बेचारा गधा मारा गया। तो अब वो बाकी के लूजर्स क्या करेंगे मिस्टर नोबडी के खिलाफ और क्या उन्हें चीफ मिलेगा या नहीं, उस डिटेल के लिए चलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। खैर, तो इस एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि चीफ की तलाश में जेन टाउन में घूम रही है चीफ के मिसिंग पोस्टर लेकर, और इसी के पीछे बाकी के टाउन वाले भी लगे हुए हैं और वो लोग जेन से ये कह रहे हैं कि वो इस टाउन को छोड़कर निकल जाए। लेकिन जेन का उनकी इस बातों पर कोई भी असर नहीं होता और वो बस अपने काम को करती रहती है। लेकिन जब एक इंसान बीच में आकर जेन का दिमाग खराब करता है तो जेन वो मिसिंग पोस्टर उसके सर पर चिपका देती है स्टेपलर से। खैर, तो उसके बाद ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है साइबॉर्ग जो एक कमरे में बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रहा है कि कैसे जब उसकी माँ और उसके बीच आर्ग्यू हो रहे थे एक केमिकल लैब में, तब उस लैब में गुस्से में आने के बाद साइबॉर्ग ने एक केमिकल को दीवार पर फेंका था जिस वजह से एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद साइबॉर्ग की यह हालत हो गई थी और उसकी मॉम मर गई थी। लेकिन अब यहाँ पर साइबॉर्ग को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है इस वीडियो में और वो उस लैब की वीडियो फुटेज को फिर से देखने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस लैब में पहले से ही किसी ने एक्सप्लोजिव फिट कर रखे थे और यहाँ पर नाम एरिक का आता है जिसे हम इस सीरीज में मिस्टर नोबडी के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर साइबॉर्ग की मॉम को मारने के पीछे मिस्टर नोबडी का ही हाथ था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लिफ और रीटा को जो चीफ की लैब में कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में मिस्टर नोबडी है कौन। लेकिन वहां पर क्लेफ को काफी ढूंढने के बाद उसकी एक फाइल मिलती है जिस फाइल में क्लेफ को उसकी बेटी का नंबर मिलता है और वो उस नंबर को अपने पास छुपा लेता है। और इस बीच रीटा क्लेफ को आवाज देती है कि उसे कुछ मिला है और वहां पर रीटा को उसी डोंकी का फोटो मिलता है जो डोंकी बेचारा पिछले एपिसोड में मारा गया। और अब इस फोटो को देखकर रीटा काफी नर्वस हो जाती है और वहां से चली जाती है। और इस बीच साइबॉर्ग वहां पर आता है और उस फोटो को देखने के बाद वो क्लेफ से ये कहता है कि सभी को हॉल में बुलाओ क्योंकि साइबॉर्ग को उन सबसे मिलकर एक मीटिंग करनी है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं लैरी को जिसे नेगेटिव मैन ने उठाकर छत पर डाल दिया है क्योंकि उसने इसके पहले एपिसोड में नेगेटिव मैन से रूल की बात की थी क्योंकि उसे अगर उसकी बॉडी में रहना है तो उसे कुछ रूल्स भी मानने पड़ेंगे। लेकिन लैरी की इस हालत को देखकर ऐसा लगता है कि नेगेटिव मैन लैरी की उस बात से काफी नाराज है। और उसके बाद हमें लैरी का पास दिखाया जाता है जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ है और यहां पर जॉन लैरी को एक डिसीजन लेने के लिए कह रहा है और वो डिसीजन है लैरी की फैमिली को छोड़ने का। लेकिन लैरी अभी फिलहाल तो इन सब के पीछे नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसे अपने अभी करियर पर ध्यान देना है क्योंकि कल का दिन लैरी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद जॉन लैरी की इस बात से काफी नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लैरी उससे एक दिन का और टाइम मांगता है ताकि कल का दिन जब गुजर जाए तब लैरी को एक टाइम मिल जाएगा अपनी लाइफ के बारे में सोचने का कि वो जॉन के साथ फ्यूचर में खुश रहेगा या नहीं। उसके बाद लैरी का यह सपना टूटता है और हमें दिखाई जाती है हॉल में सभी लोगों की प्रेजेंटी जहाँ पर साइबॉर्ग सभी को ये बताता है कि मिस्टर नोबडी का नाम एरिक है जो एक इविल ऑर्गेनाइज से बिलोंग करता है जिस ऑर्गेनाइज का नाम है इविल ब्रदरहुड। लेकिन ये ग्रुप 1930s के बाद बंद हो गया और तब से लेकर अब तक उस ग्रुप और एरिक के बारे में कोई भी खबर किसे भी नहीं मिली। लेकिन रीटा को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग यहाँ पर क्यों है क्योंकि वो लोग एक लूजर है और उन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लोग जाकर सुपर विलेंस को हराए। लेकिन साइबॉर्ग उनसे कहता है कि ये फोटो 1948 की है और ये जगह है पेरेगुस जहाँ पर कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ था, इसलिए चीफ ने इस फोटो को अपने पास रखा और अब हमें वहाँ जाकर ये पता लगाना चाहिए कि असल में वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन किसे भी इंटरेस्ट नहीं है साइबॉर्ग की उस बात में क्योंकि क्लेफ यहाँ पर यह पूछता है कि इस फोटो को तुमने कहाँ से प्रिंट किया क्योंकि अगर ये फोटो कहीं और से प्रिंट हुई है तुम्हारे पास से तो मुझे भी वो जगह बता दो ताकि मैं भी कुछ फोटोज प्रिंट करवा लूँ। और अब साइबॉर्ग का यहाँ पर दिमाग खराब होता है और वो उन लोगों से कहता है कि चीफ अब एक मुसीबत में फंसे हुए है और उनके पास दूसरी कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें कोई आकर बचाएगा। और इसके पहले चीफ ने तुम सभी पर एक एहसान किया था तुम्हें बचाकर, तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम लोग जाकर चीफ को बचाओ। तो अब क्या तुम लोग मेरे साथ इस मिशन में हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइबॉर्ग एक प्राइवेट जेट की भी बात करता है जिस जेट से वो लोग पेरेगुस पहुंचेंगे। और जब साइबॉर्ग अपने फादर को कॉल लगाकर जेट की बात करता है तो उसके फादर साफ साफ मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसे घर पर आना है तो वो उस जेट को भेजेंगे वरना वो इतना खर्चा उस पर नहीं करने वाले। तो फिर अब यहाँ पर साइबॉर्ग के पास लैरी की उसी बस के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। और अब यहाँ पर रीटा को ये लगता है कि ये बस उन लोगों को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए है क्योंकि अगर वो लोग इस बस से पेरेगुस जाने की
कोशिश करेंगे तो उन लोगों को पूरे एक हफ्ते लगेंगे। लेकिन साइबोर्ग ने यहाँ पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर ली है और वो उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को वहाँ पर पहुँचने के लिए पूरे 2 हफ्ते लगेंगे। और फिर वो लोग काफी मस्ती करते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद रास्ते में वो बस बंद पड़ जाती है, क्योंकि इसका कारण लैरी की वो नेगेटिव एनर्जी है जिससे लैरी बस चलाते वक्त बात कर रहा था। और वो चीज नेगेटिव मैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर लैरी उसे वही रूल फॉलो करने के लिए कह रहा था, वरना वो उसे ये बॉडी रहने के लिए नहीं देगा। और ये बात सुनकर नेगेटिव मैन काफी गुस्सा हो जाता है और वो बस को अपनी नेगेटिव एनर्जी से बंद कर देता है, जिसके बाद उस बस को धक्का मारते हुए क्लिफ और साइबोर्ग होटल तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब उस होटल में एक ही कमरा बचा हुआ है, इसलिए अब उन लोगों के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है वहां पर रुकने के अलावा। खैर, तो उसके बाद हम लैरी को देख सकते हैं जो बाहर बैठे फिर से अपने पास में खो गया है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि लैरी की वाइफ लैरी के झूठ से थक गई है, क्योंकि यहां पर आने के बाद भी लैरी का वो रात भर बाहर रहना लैरी की वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और उन लोगों की लाइफ अब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसलिए यहाँ पर लैरी की वाइफ लैरी से ये कहती है कि अगर वो अलग हो जाएगी तो शायद कुछ अच्छा भी होगा उन लोगों की लाइफ में। लेकिन लैरी यहाँ पर कहता है कि कल के दिन के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा और चीजें फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और फिर से लैरी का ये सपना टूटता है और हमें लैरी के पास खड़ी हुई नजर आती है जेन, जिसके बाद लैरी उससे एक एडवाइस लेता है कि वो अपनी इतनी सारी पर्सनैलिटी को कैसे हैंडल करती है। और यहाँ पर जेन उसे सिंपल सा जवाब देती है कि अगर तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है तो उन लोगों की ही तरह बिहेव करना सीख लो, इससे काफी आसानी हो जाती है उन सबके साथ घुल मिलकर रहने में। खैर, तो अब सुबह हो गई है और रीटा बाथरूम से बाहर नहीं निकल रही है और रीजन वही उसकी नर्वसनेस है। और बाहर की तरफ क्लेफ अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती अपनी बेटी को कॉल करने की। तो अब आते हैं होटल के सीन पर, जहाँ पर साइबोर्ग ट्रक की चाबी ढूंढ रहा है और यहाँ पर क्लेफ उसकी टांग खींचने में लगा हुआ है कि वो आगे चलकर अगर जस्टिस लीग की टीम को ज्वाइन करेगा तो वो इसी तरीके से चीजें भूलता रहेगा। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेन आ जाती है कॉफी लेकर, और आते के साथ में ही वो क्लिफ से ये कहती है कि वो साइबोर्ग को उसकी की दे दे। और फिर बाथरूम की तरफ जाकर वो रीटा को चिल्लाती है कि जल्दी चलो, हमें काफी सारे दूसरे काम भी करने हैं, जिसके बाद रीटा उसे जवाब देती है कि अगर तुम लोग मेरे लिए नहीं रुक सकते तो तुम लोग आगे चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। और यहाँ पर साइबोर्ग कहता है कि हम कभी अपनी टीम को छोड़कर पीछे नहीं जाते, इसलिए हम लोग वेट करेंगे रीटा के बाहर आने का। और ये आर्ग्यू चलता रहता है। इस बीच जेन लैरी और क्लेफ का हाथ पकड़कर सीधे उसी जगह पर पोर्टल हो जाती है जहाँ पर उन्हें पहुँचना है, और पीछे रह जाते हैं साइबोर्ग और रीटा। और थोड़ी देर बाद रीटा बाथरूम से बाहर आ जाती है और ये कहती है कि वो अब बिल्कुल तैयार है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर जेन ने जाकर चीफ की फिर से फोटो लगाना शुरू कर दी है और क्लिफ को ये आइडिया काफी पसंद आता है। लेकिन इस बीच वहाँ पर हमें एक और शख्स नजर आता है जो एक बस का वेट कर रहा है और वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो, जिसके बाद जेन उसे जवाब देती है कि हमारा तो नहीं पता लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। और वो शख्स उन लोगों से कहता है कि वो मोडक जाने की तैयारी कर रहा है। और फिर ये सीन हटकर हमें दिखाया जाता है साइबोर्ग का सीन, जहाँ पर वो बस रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर साइबोर्ग को उसे एक फैन मिलता है जो उसके साथ खुद की एक सेल्फी खिंचाना चाहता है। खैर, तो फिर सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है कि जेन लैरी और क्लिफ उस बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं उस शख्स के साथ जो शख्स मोडर्न जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसने काफी कुछ सुना है मिस्टर नोबडी के बारे में और वहाँ जाकर उन्हें और भी काफी सारी डिटेल मिलेगी उससे रिलेटेड, क्योंकि वो शख्स ये चाहता है कि उसमें भी कुछ बदलाव आए क्योंकि उसे दीवार पर जो चढ़ना है। इतना बोलते ही बस वहाँ पर आ जाती है और वो सभी लोग उस बस में सवार हो जाते हैं और वो बस उन लोगों को फूक टोपिया ले जाती है, जहाँ पर उन लोगों को एक पपेट शो दिखाया जाता है। और उस पपेट शो में जो पपेट हमें दिखाया जाता है वो उसी साइंटिस्ट का होता है जिस साइंटिस्ट ने एरिक पर एक्सपेरिमेंट कर उसे मिस्टर नोबडी बनाया। लेकिन अब यहाँ पर पूरी बायोग्राफी के उस डॉक्टर की स्टोरी बताई जाती है जिसे लगभग 3 घंटे तक चलाया जाता है। इस कहानी को देखते वक्त हमारे 3 यूजर्स तो सो जाते हैं, लेकिन वो चाइनीज शख्स काफी इंटरेस्टिंग से उस डॉक्टर की कहानी सुन रहा होता है। लेकिन 3 घंटे बाद एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू की जाती है, ठीक वहीं से जहां पर एरिक पहली बार आकर उस पागल साइंटिस्ट से मिला था ताकि उसे उसकी पावर्स मिल सके। लेकिन इस बीच उस डॉक्टर की कहानी में हमें ये भी बताया जाता है कि उसने काफी लोगों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उसके एक्सपेरिमेंट से ध्यान हटा लिया गया सभी का। और फिर ये सीन हटकर हमें दिखाया जाता है साइबोर्ग और रीटा का सीन, जहाँ पर रीटा बस खाने पर ही ध्यान दे रही है क्योंकि इससे वो ज्यादा नर्वस नहीं होती। लेकिन ये चीज साइबोर्ग को पसंद नहीं आती और वो उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है कि उसे ओहायो में ही रुकना चाहिए था क्योंकि उसे बाकी की टीम की पड़ी नहीं है और वो सिर्फ दिखाती है फिल्मों की तरह कि वो एक हीरोइन है, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनकर रीटा काफी नर्वस हो जाती है, जिसके बाद वो साइबोर्ग को ये सुनाती है कि तुम्हें बस एक टीम चाहिए ताकि
तुम अपना काम अच्छे से करो और वो लोग तुम्हारा काम देखते रहे, इसके अलावा तुम्हें और किसी की भी नहीं पड़ी। इतना बोलकर रीटा वहाँ से चली जाती है और शायद ये चीज साइबॉर्ग को भी बुरी लगी। और फिर वापस आते हैं फूटोपिया पर, जहाँ पर वो साइंटिस्ट अभी भी अपनी स्टोरी बता रहा है कि कैसे उस वॉर के टाइम पर उसे उठाकर पैराग्यूस में फेंक दिया गया, क्योंकि अब उसकी सेहत भी सही नहीं रहती और उसके एक्सपेरिमेंट भी लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी की सबसे ग्रेट इन्वेंशन की, जो इन्वेंशन लोगों के शरीर से आत्मा तक को बाहर निकाल सकती थी। और इस खबर को सुनने के बाद एक अमीर इंसान उसके पास आया, जो और कोई नहीं बल्कि एरिक था, और उस पर उस एक्सपेरिमेंट को किया गया। पर उस एक्सपेरिमेंट को मैं पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में एक शख्स ने आकर पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया, और वो शख्स चीफ ही थे, ये बात जेन वहाँ पर बताती है। और चीफ ने वहाँ पर उस साइंटिस्ट को मार दिया और उस एक्सपेरिमेंट को आधे में ही बंद कर दिया। लेकिन जाते जाते चीफ ने काफी कीमती चीज ले ली उस साइंटिस्ट की, लेकिन चीफ को ये नहीं पता था कि वो पीछे उस साइंटिस्ट की ग्रेट इन्वेंशन को भूल गए हैं, जो इन्वेंशन आगे चलकर नोबडी बनी। तब उस साइंटिस्ट के मरने के बाद मिस्टर नोबडी ने उस साइंटिस्ट की जगह संभाल ली, और अब वो यहाँ पर फीटोपिया में लोगों को बुलाकर उन्हें ऑप्शन देता है कि वो आम जिंदगी जिएंगे या फिर उन्हें सुपर पावर्स चाहिए। ये सारी की सारी डिटेल वहाँ पर बैठे उस शख्स को काफी इम्प्रेस करती है, यहाँ तक कि वो बीच बीच में रोने भी लगता है। तो अब यहाँ पर लैरी ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ अपग्रेड करेगा अपने शरीर में, यानी यहाँ पर लैरी को ये लग रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो उस नेगेटिव एनर्जी को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है, ताकि वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन क्लैब को यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो खुद को यहाँ पर अपडेट करवाए, और जेन ने यहाँ पर कुछ चाल चली है ताकि वो देख सके कि इनका एक्सपेरिमेंट काम कैसे करता है। इसलिए वो वहाँ पर जाकर काफी सारे फेक क्रेडिट कार्ड लेकर उस औरत से कहती है कि वो इन सभी के सभी कार्ड को स्क्रैच कर ये चेक कर ले कि इन सभी में पैसे है भी या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से एक भी क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं निकलते, जिसके बाद जेन के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है अपनी 64 पर्सनालिटीज में से एक पर्सनालिटी देने के अलावा। और ये खबर उस औरत को जैसे ही मिलती है वो कुछ देर के लिए चुप बैठ जाती है, मानो कि वो किसी की बातें सुन रही है। और थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और उससे कहती है कि उसे ये डील मंजूर है। और दूसरी तरफ लैरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है खुद को अपडेट करवाने में, क्योंकि यहाँ पर लैरी को परमिशन मिल गई है कि वो उस लैब के उस चैम्बर में जाकर खुद को अपडेट करवा सकता है। और उससे यहाँ पर पेमेंट की भी बात नहीं की जाती, क्योंकि इसके पहले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नेगेटिव मैन ने मिस्टर नोबडी का मजा खराब कर दिया था। तो शायद यहाँ पर कुछ चाल चली जा रही है लैरी को लेकर। और वहाँ पर वो औरत क्लिफ को भी गुमराह करने की कोशिश करती है कि वो खुद को भी अपडेट करवा ले, जिसके बाद क्लिफ वहाँ पर बैठे बैठे ये सोचता है कि जब उसे कुछ फील ही नहीं होता तो वो खुद को अपडेट करवा कर करेगा क्या। जिसके बाद वो औरत उसे जवाब देती है कि तुम्हें कुछ तो फील होता होगा, इसलिए तो तुम यहाँ पर पहुँचे हो। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जेन की डील को मंजूर कर लिया गया है और जेन को कहीं पर ले जाया जा रहा है। और उसके बाद आते हैं लैरी पर, जहाँ पर लैरी उस मशीन के अंदर है और फिर से पहुँच गया है अपने पास्ट में, जहाँ पर वो देखता है कि जब जेट से उसका एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहाँ पर उस हॉस्पिटल में लैरी ने सभी को मार दिया है। इसके बाद वहाँ पर दूसरी फोर्स टीम पहुँचती है और लैरी को पकड़ लिया जाता है और फिर उसे एक अलग ही चैम्बर में रखा जाता है, जहाँ पर दूसरे कमरे में लैरी से उसकी वाइफ बात करती है और वो उससे ये कहती है कि वो बच्चों को लेकर अब अलग हो जाएगी। और लैरी उसे मना करता रहता है, लेकिन लैरी की वाइफ कुछ भी नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर से सीन आता है प्रेजेंट पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइबॉर्ग रीटा को मनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी एक चॉकलेट देकर, और रीटा काफी आसानी से मान भी जाती है। और इस बीच साइबॉर्ग के फादर का फोन आता है और वो अपने फादर से फिर से जेट मांगता है, और इस बार उसके फादर उसे जेट दे देते हैं। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जेन को उसी स्टेज के पास लेकर आया गया है, जहाँ पर पहले वो लोग काफी घंटे से बैठे थे। और यहाँ पर पर्दे के पीछे हमें वही पागल बॉर्न साइंटिस्ट दिखाया जाता है, जो अब भी जिंदा है, लेकिन उसे अब जिंदा रहने के लिए एक चैम्बर में खुद को बंद रखना पड़ता है ताकि वो सांस ले सके। और एक आदमी लगता है जो पूरा दिन उसे पंप करता रहता है। और अब वो साइंटिस्ट वहाँ पर जेन से बातें करता है और जेन से ये पूछने लगता है कि तुम मुझे अपनी एक एक कर सभी पर्सनैलिटीज दिखाओ, ताकि मैं चूज कर सकूं कि मुझे कौन सी वो सुपर पावर्स चाहिए। और फिर जेन उससे कहती है कि ऐसा काम नहीं चलता और मुझे खुद नहीं पता कि वो लोग कब बाहर आना चाहते हैं। और फिर वो साइंटिस्ट जेन से ये कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे सिखा सकता है कि कैसे उन सब पर कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि लैरी उस चैम्बर के अंदर है जिस पर अब भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से लैरी फिर से पहले जैसा हो गया है और वो नेगेटिव एनर्जी भी उससे बाहर निकल गई है। जिसके बाद लैरी उससे कहता है कि वो अब अपने रास्ते जाएगा और उसे अब उस नेगेटिव एनर्जी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही लैरी आगे बढ़ता है तो वो नेगेटिव एनर्जी लैरी का रास्ता रोक देती है और उसे आगे जाने नहीं देती। और उन
दोनों के बीच वहाँ पर फाइट होने लगती है। और दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट और जेन को देख सकते हैं, जहाँ पर वो साइंटिस्ट जेन का दिमाग भटकाने की कोशिश कर रहा है उसे उसके बचपन की कहानियाँ सुनाकर, कि वो सभी की सभी पर्सनैलिटीज एक छोटी सी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो खुद के जरिए कुछ भी कर नहीं सकती, बस उसका काम है डरते रहना, जो वो हमेशा से करती आई है। जिसके बाद जेन ये बात सुनती है तो उससे वो कहती है कि उसे उसके बारे में काफी कुछ पता है कि वो बचपन में कैसी थी और कितना डरती थी। तो शायद उसे ये भी पता होगा कि जिन साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो लोग उसी की तरह एक बेवकूफ थे जो बस अपना मकसद पूरा करना चाहते थे। लेकिन इस बीच एक साइंटिस्ट ऐसा भी आया जिसने उसकी मदद की वहाँ से भागने में, और उस साइंटिस्ट का नाम नीलेस कोडल था, जिसे शायद वो भी पहचानता होगा। ये सुनकर वो पागल साइंटिस्ट थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब बारी जेन की थी जो अब उस साइंटिस्ट की टांग खींच रही थी, ये बोलकर कि चीफ ने बीच में आकर उसके एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट एक घटिया थे और एक घटिया एक्सपेरिमेंट आज वो खुद है, क्योंकि वो दूसरों की मदद के अलावा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। ये सुनकर वो साइंटिस्ट और थोड़ा पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर जेन से ये कहता है कि भले से ही वो यहाँ से हिल नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग यहाँ पर काम कर रहे हर एक शख्स के अंदर है और वो चाहे तो कुछ भी करवा सकता है उन सबसे। ऐसा बोलते ही जो औरत क्लेव के साथ बातें कर रही होती है वो अचानक से शांत हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। ये देखकर क्लेव भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है और उस कमरे से वो भी बाहर निकलता है, लेकिन बाहर काफी सारे लोग आकर क्लेव का रास्ता रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लेव लैरी की तरफ बढ़ रहा था जिस लैब के अंदर लैरी खुद पर एक्सपेरिमेंट करवा रहा है। और अब यहाँ पर क्लेव अपना आपा खो देता है और उन लोगों को बेदर्दी से मारना शुरू कर देता है, एक एक के सर पैर हाथ तोड़कर, यहाँ तक कि वो एक शख्स को दो टुकड़ों में भी बांट देता है। और दूसरी तरफ जेन अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज की मदद से उन लोगों को मजे चखा रही है। उसके बाद बारी आती है सिल्वर टंग की, जिसकी मदद से वो मुंह से सिल्वर निकाल निकाल कर सभी को उन शब्दों से मारना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो उस साइंटिस्ट को भी मार देती है मदरफकर बोलकर। और फिर वापस से जेन बनकर उस साइंटिस्ट से ये कहती है कि वो जीत गई, और वो साइंटिस्ट मरने से पहले जेन को ये कहकर जाता है कि अभी की विक्ट्री तुम्हारी है जो ज्यादा टाइम तक तुम्हारी नहीं रहेगी। और जैसे ही वो साइंटिस्ट मर जाता है तो दूसरी तरफ खड़ा वो आदमी भी वहीं पर रुक जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है क्लेव जो काफी शॉक में है, और फिर पीछे से जब जेन आती है उसकी तरफ तो वो उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि पीछे जेन है तो वो वहीं पर रुक जाता है। और उस एनर्जी मशीन के अंदर लैरी अभी भी उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ रहा है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आए तो मेरी जिंदगी बद से और बदतर हो गई। जिसके बाद जॉन पीछे से आता है और लैरी से ये कहता है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। और ऐसा बोलते ही सभी चीजें फिर से बंद होने लगती है, क्योंकि वहां पर क्लेव पहुंच गया है और उसने उस मशीन को वहीं पर बंद कर दिया। और जब लैरी खुद को देखता है तो लैरी फिर से पहले जैसा ही हो जाता है और काफी अपसेट होकर वो उस मशीन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जेन अपनी अलग पर्सनैलिटी की मदद से उस पूरी के पूरी लैब को जला देती है, और वो सभी लोग फेरेटोपिया छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं उसी टाउन में, जहाँ पर अब साइबॉग और रीटा उनका इंतजार कर रहे हैं। और फिर जेन वहाँ पर रीटा की तरफ जाती है और उससे कहती है कि उसे प्रोफेसर मिल गए उस पपेट के रूप में। खैर तो अब सभी मेंबर जेट के अंदर बैठ गए हैं, जहाँ पर लैरी अब भी सोच में डूबा हुआ है, और हमें फिर से लैरी का पास दिखाया जाता है जिस पास में लैरी अभी भी उसी बेड पर है, और वहाँ पर उससे मिलने के लिए जॉन आया है और उससे ये कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला। लेकिन फिर लैरी खुद के हाथ को देखता है और डिसाइड करता है कि वो जॉन से ये कह दे कि वो उसे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। और जॉन जैसी ही लैरी की ये बात सुनता है तो वो थोड़ा अपसेट तो होता है, लेकिन फिर जॉन से वादा कर वहाँ से चला जाता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। और फिर दूसरी तरफ हम क्लेव को देख सकते हैं जो अभी भी शॉक में है, और उसके हाथ में उसकी बेटी का फोन नंबर है जिसे वो फेंक देता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है उसकी बेटी के लिए। और दूसरी तरफ साइबॉग को भी थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए वो अपने फादर से बात करते वक्त उनका फोन बीच में ही काट देता है, ये बोलकर कि उसे थोड़ा आराम करना है। और यहाँ पर बात करें जेन की, तो जेन अब भी खुद पर कंट्रोल करना सीख रही है, और रीटा बस एक कोने में शांति बैठी हुई है चीफ के उस पपेट को लेकर। और फिर आ जाए उसी लैब पर जिस लैब को जेन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वहाँ पर कुछ चीजें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जैसी कि ये चेंबर। इस चेंबर के अंदर वही शख्स है जो शख्स फूटोपिया आने के लिए काफी बेकरार था, क्योंकि उसे खुद में अपडेट करवाने थे। लेकिन जैसे ही वो उस चेंबर से बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से अपडेट हो गया है। यहाँ पर उसके दो सर हो गए हैं, एक सर एलिगेटर का है और दूसरा सर उसके खुद का, और पैर उसके पेड़ के है एक और दूसरा एलिगेटर, यानी वो आधा पेड़ और आधा एलिगेटर बन चुका है, जिस अपग्रेड से वो काफी ज्यादा खुश है। खैर तो जो नया विलन अब हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है उस शख्स का नाम है द एनिमल वेजिटेबल मिनरल मैन, जिसे तीन पर्सनैलिटी वाला विलन कहा जाता है, और उसके नाम से हमें ये बात साफ साफ पता भी चलती है, यानी अब हमारे लूजर सुपर हीरोज को ये विलन बहुत तंग करेगा। वेल, तो अब ये एपिसोड होता है यहाँ पर खत्म।
तो अब देखते हैं इसके फोर्थ एपिसोड में हमें क्या अलग दिखाया जाएगा और हमारे लूजर सुपर हीरोज क्या करेंगे और क्या उन्हें चीफ मिलेगा या नहीं। इन सब की डिटेल शायद हमें एपिसोड नंबर 4 में मिले। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है एपिसोड नंबर 3 को लेकर डूम पेट्रोल के, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।